Hello students, how are you? Again welcome back. Now see our workbook chapter number 13, smart charts. हमने textbook में जो पढ़ा है smart chart उससे related है. इसमें पढ़ेंगे data handling. बच्चों सबसे पहले data handling किसे कहते हैं? First point है, देखते हैं data handling के बारे में. Numerical information is called data. जो संख्याओं की अलग अलग तरीकों से जानकारी मिलती है उसको क्या कहते हैं? डाटा हैंडलिंग कहते हैं. एग्जांपल, या हमें नंबर लिखने हैं तो हम नंबर में वो नहीं लिखेंगे, उसके अलावा हम सिंबल यूज़ करेंगे, पिक्चर यूज़ करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, उसको क्या कहते हैं? डाटा. ओके, डाटा हैंडलिंग इज कलेक्ट अरेंज एंड यूज द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द डाटा. इसे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इतने नंबर है इस अलग अलग पिक्चर से. ओके, थर्ड पॉइंट है, डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इन वर्ड सिंबल्स एंड पिक्चर. व्हेन वी रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राम. हम जो अलग अलग वर्ड्स लेते हैं, सिंबल लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, तो वो डाटा हैंडलिंग के लिए जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं. क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ. इसके बारे में आपको मैं आगे दिखाती हूँ. ओके, वी यूज़ पिक्टोग्राफ टू, अभी ये पिक्टोग्राफ का यूज़ क्या है? वी यूज़ टू पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा विथ स्मॉल नंबर. स्मॉल नंबर के लिए किसका यूज़ करते हैं? पिक्टोग्राफ का. ओके, फॉर लार्ज नंबर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सो मैनी पिक्चर, दस वी ड्रॉ टैली मार्क्स. अभी ये टैली मार्क्स है वो जो ऐसे साइन में आता है, ये वर्टिकल साइन में, उसको कहते हैं टैली मार्क्स. ओके, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट डाटा बाय अ बार ग्राफ. बार ग्राफ देखा है, मोस्टली मैथ्स में यूज़ करते हैं इसका. इसके द्वारा हमें पता चलता है कि कितने नंबर है. कम बार दिखाते हैं, बड़ा बार दिखाते हैं, बड़े बार से कितने नंबर मिलते हैं, इसके द्वारा क्या भी हमें पता चलता है, डाटा हैंडलिंग का जो पता चलता है हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, रिवीजन कैप्सूल में देखेंगे. फर्स्ट, रीड एंड राइट द नंबर फॉर द गिवन टैली मार्क्स. अभी टैली मार्क्स के बारे में आपको पता चला, किसे कहते हैं टैली मार्क्स? जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? टैली मार्क्स. पहले ये देखेंगे, यहाँ पे थ्री लाइन ड्रॉ की है उन्होंने, 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर कितने लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे? 3. बी पॉइंट में देखिए, 1 2 3 4, और ये 5 नंबर की क्रॉस लाइन दी है, तो इसका मतलब ये है ये 5 हुआ. ये कितना मिलाकर हुआ? ये सब मिलाकर 5. अगेन 1 2 3 4, और ये 5 5 5 10, और ये 1, तो यहाँ पे कितना नंबर राइट डाउन करेंगे? 11. इसी पॉइंट देखते हैं, 1 2 3 4, और ये 5, कितनी लाइन है? 5. तो कितने मिले नंबर हमें? 5. ऐसी तरह से आपको यह पूरा राइट डाउन करना है. ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ टैली मार्क्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. अभी आपको टैली मार्क्स ड्रॉ करना है. पहले दिया 7. 7 कैसे करेंगे? 1 2 3 4. 5 को ऐसे करेंगे, क्रॉस करेंगे, हुआ 5. और 1 2, 5 + 2 कितना हुआ? 7. 9 को देखते हैं, 1 2 3 4, ये क्रॉस करना है 5. 1 2 3 4 9, इसी तरह से आपको ये 9 लाइन ड्रॉ करना है. ओके, इसे कहते हैं टैली मार्क्स. ओके, 13 21 19 एंड 25, ये आपको ड्रॉ करना है. ओके, अब हम पिक्टोग्राफ का एक सम लेंगे. ओके, क्वेश्चन 4 में देखते हैं, लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं, फर्स्ट में फेवरेट दिया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए नीचे, और एक पर्सन के लिए एक स्माइल दिया उन्होंने. ओके, एक उसका मतलब है एक स्टूडेंट है. ओके, फर्स्ट है मिल्क. मिल्क के लिए कितने स्टूडेंट है जो लाइक करते हैं मिल्क को? 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉ किया उन्होंने. जूस के लिए कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे नंबर के अलावा यहाँ पे उन्होंने क्या ड्रॉ किया है? पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया है. ओके, टी और
टी के लिए कितने, 1 2 3 4 5 6, एंड कोल्ड ड्रिंक के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो उन्होंने हमको पिक्टोग्राफर भी समझ में आया, ये जो पिक्चर निकालते नंबर के अलावा इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मिल्क इज, कौन से मिल्क किसे ज़्यादा पसंद है, कौन से स्टूडेंट्स को, जो कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने 5 को टिक मार्क किया है। ओके, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स प्रिपेयर जूस टू मिल्क, मिल्क से कितने अधिक है जूस जूस जिनको पसंद है, 2 बच्चे अधिक है इसलिए 2 बच्चों, तो यहाँ पे 2 को टिक मार्क करना है। द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इज, सबसे ज़्यादा कौन सा पॉपुलर ड्रिंक है, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा वही पॉपुलर होगा, तो कोल्ड ड्रिंक को है, तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा थे तो कोल्ड ड्रिंक को हम टिक मार्क करेंगे। ओके, अब हम बार ग्राफ का एक एग्जांपल लेंगे, इसे कहते हैं ग्राफ। ओके, फर्स्ट देखते क्वेश्चन में, इन अ क्रिकेट सीजन बुमराह, अश्विन, शामी, भुवनेश एंड कुलदीप टुक द विकेट एज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ, जो इन क्रिकेटर है उन्होंने जो कितने विकेट्स लिए, ये ग्राफ के द्वारा आपको समझाया है। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे क्रिकेटरों के नाम लिखे हैं नीचे, बुमराह, अश्विन, शामी, भुवनेश एंड कुलदीप, और ये ग्राफ के द्वारा आपको दिया है कि उन्होंने इतनी विकेट्स ली, यहाँ पे नंबर लिखे हैं। ओके, तो बुमराह ने कितनी विकेट्स ली, 8, तो 8 देखिए, 8 के लाइन तक ही उन्होंने क्या किया है, कलर किया है। ओके, और ये अश्विन ने पूरे उसका बार ये पूरा ड्रॉ किया है, तो उसकी लाइन में देखो कितने विकेट्स ली उन्होंने, 10 विकेट ली, और शामी ने कितने ली, 5, भुवनेश ने 7 और कुलदीप ने 6। देखिए ये नंबर के लाइन में ही उतना कलर किया है। ओके, इसके जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, फर्स्ट हाउ मैनी विकेट डिड भुवनेश टेक, अभी भुवनेश ने कितनी विकेट्स ले ली, कितनी ले ली, यहाँ पे मैंने 7 लिए, भुवनेश आपको ढूंढना है, भुवनेश यहाँ पर है और वो देखिए ये एकदम करेक्ट लाइन में है, 7, ये विकेट है, नंबर लिखे है, तो कितने आएगा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम, राइट करेंगे हम 7। ओके, हाउ मैनी विकेट डिड शामी टेक, शामी ने कितने विकेट ले ली, यहाँ पे शामी, तो शामी ने 5 ले ली, तो यहाँ पे मैंने 5 राइट डाउन किया। ओके, हु टुक द मैक्सिमम विकेट एंड हाउ मैनी, किसने ज़्यादा विकेट्स ले ली, तो ये अश्विन की पूरा है तो उसका सबसे ज़्यादा है, तो अश्विन ने सबसे ज़्यादा ली और हाउ मैनी में 10 राइट डाउन करेंगे। ओके, ये 10 है, 10 के लाइन में ये एकदम देखिए एकदम परफेक्ट है। ओके, तो 10 हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ओके, विच बॉलर टुक 10 विकेट्स, कौन से बॉलर ने 10 विकेट्स ले ली, तो अश्विन ने ले ली थी यहाँ पर 10, तो अश्विन का नाम यहाँ पे लिखेंगे अश्विन। ओके, हाउ मैनी विकेट डिड बुमराह टेक, बुमराह ने कितने विकेट्स ले ली थी, 8 विकेट्स, ये बुमराह और इसने 8 विकेट्स ले ली। ओके, हु टुक द लीस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, किसने सबसे कम विकेट्स ले लिए, तो शामी ने लिए, देखिए यहाँ पे उसका बार में सबसे कम विकेट्स दिखाई देते, देखिए यहाँ पे सबसे कितने हैं शामी, तो 5 है, तो उसका फुट किसके हैं वो शामी का नाम यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे। ओके, हाउ मैनी टोटल विकेट्स डिड अश्विन एंड कुलदीप टेक, अश्विन और कुलदीप दोनों के मिला के कितने विकेट्स ले ली, तो अश्विन ने कितने ले ली थी, 10 ले ली थी। ओके, और कुलदीप ने कितने ली थी, 6, तो दोनों मिला के कितने हुए, हाउ मैनी, 16, तो 16 हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। इसी तरह से ये चार्ट्स आपको मिलता है, इसे कहते हैं चार्ट ग्राफ। ओके,